हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो SSB टेस्ट मन की तरफ से जो आपसे भी क्लियर की थी जा रही थी 2020 में उसके बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट परेशान हैं, उनसे भी कि जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं कि काफ़ी सारे कैंडिडेट है को रजिस्ट्रेशन नंबर डाल रहे हैं, अपना पासवर्ड डाल रहे हैं, बट इनवैलिड पासवर्ड बता रहा है, इनवैलिड जो है रजिस्ट्रेशन नंबर बता रहा है। तो आज की वीडियो में आप सभी को फ्रेंड्स बताएंगे कि आपका जो है रजिस्ट्रेशन आईडी इनवैलिड क्यों बता रहा है एंड पासवर्ड भी इनवैलिड क्यों बता रहा है। तो फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, आप लोगों के लिए वीडियो काफी हेल्पफुल रहने वाली है। तो फ्रेंड्स यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दे ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट निकल कर आता है तो सबसे पहले आप सभी को जो है इन्फॉर्मेशन दे सके। हाँ तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आप सभी को हम बताएंगे कि कैसे आप अपना जो है पासवर्ड एंड जो है रजिस्ट्रेशन जो है आप अपना डाल सकते हैं, वो इनवैलिड नहीं बताएगा। और काफी सारे कैंडिडेट का यहाँ पे फ्रेंड्स सवाल था कि मैंने अपना जो है पासवर्ड भूल गए, पासवर्ड पता नहीं है क्योंकि SSB टेस्ट मैन का जो है फॉर्म भरे हुए दो साल को हो गए हैं, बट उनसे भी कुछ जो है पासवर्ड याद नहीं है और वो लोग अपना जो है एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे। तो आज की वीडियो में आपसे भी फ्रेंड्स हम कंप्लीट जानकारी देंगे। तो फ्रेंड्स चलिए आप सभी को हम सीधे ले चलते हैं स्क्रीन पे एंड आप सभी को पूरे डिटेल्स में हम बताते हैं कि आप अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड अपना जो है फ्रेंड्स न्यू पासवर्ड कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। हाँ तो फ्रेंड्स आप सभी को ऑलरेडी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि SSB का जो ऑफिशियल साइट है उस पर हम आप सभी को लेकर के आ गए हैं। तो फ्रेंड्स यहीं से आप अपना जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी को हम बता दें कि यहाँ पे आप सभी को एक चलते हुए आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पे दे रखा है कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड फॉर्म ब्लू लिंक फॉर अपेयरिंग इन PET PST फॉर द पोस्ट ऑफ सिटी ड्राइवर एंड अपेयरिंग इन PST एंड DME फॉर द पोस्ट ऑफ SC कम्युनिकेशन। यानी फ्रेंड्स आप सभी को हम बता दें कि यहाँ पे आप सभी को जो है रजिस्ट्रेशन एंड पासवर्ड डालने के बाद आप सभी को जो है इनवैलिड क्यों बता रहा है। तो फ्रेंड्स आप सभी को हम बता दें कि यहाँ पे एडमिट कार्ड अभी जो है ड्राइवर के लिए ही जारी किए गए हैं। ओके ड्राइवर के लिए एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं, ठीक है। इसी की वजह से आप सभी को जो है इनवैलिड यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एंड पासवर्ड बता रहा है। तो फ्रेंड्स जो कैंडिडेट यहाँ पे ड्राइवर के लिए फॉर्म को अप्लाई किए होंगे वो फ्रेंड्स जो है एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी की जो भी अदर ट्रेड हैं ठीक है वो लोग यहाँ से जो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं केवल और केवल ड्राइवर के लिए, ठीक है। और उन सभी को जो है फिजिकल फ्रेंड्स 4/4/2022 से शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जब इन सभी को जो है फ्रेंड्स ड्राइवर वालों का जो फिजिकल खत्म हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद अदर ट्रेड जैसे वेटनरी हो गया, वाशरमैन हो गया, कुक हो गया, ठीक है, तो उन सभी का यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, ठीक है। बट अभी फ्रेंड्स जो है केवल और केवल ड्राइवर के लिए यहां पे एडमिट कार्ड जो है जारी किए गए हैं, ठीक है। इसी की वजह से काफी सारे कैंडिडेट को जो है फ्रेंड्स जो है रजिस्ट्रेशन आईडी डालने के बाद एंड वहां पे फ्रेंड्स जो है पासवर्ड डालने के बाद इनवैलिड बता रहा है, ठीक है। तो आप सभी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, आप सभी को फॉर्म यहां पे रिजेक्ट नहीं हुए, आप सभी को फ्रेंड्स एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, उसके बाद ही आप सभी को यहां पे एडमिट कार्ड डाउनलोड हो पाएगा, ठीक है। तो यहां पे फ्रेंड्स आप लोग यहां पे देख सकते हैं यहां पे ऑलरेडी साफ साफ मेंशन कर चुका है डाउनलोड एडमिट कार्ड में आप लोग रीड आउट कर सकते हैं, क्लिक हेयर टू एडमिट कार्ड डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर PET एंड PST फॉर द पोस्ट ऑफ सिटी ड्राइवर WEF 4/4/2022, ठीक है। तो इन सभी को ड्राइवर वालों को फ्रेंड्स यहां पे जो है 4/4/2022 से फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप सभी को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, आप लोग यहाँ पे जो है फ्रेंड्स एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे बट जो है इन लोगों का फिजिकल होने के बाद बहुत ही जल्द आप सभी को भी एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी कर दिए जाएंगे। तो चलिए आप सभी को वहाँ पर दिखाते हैं, काफ़ी सारे कैंडिडेट का कॉमेंट था कि हम अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो अपना पासवर्ड कैसे प्राप्त करें। तो चलिए आप सभी को बताते हैं कि अपना पासवर्ड जो है कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स जो ऑफिशियल साइट पे दिया हुआ था एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन, वहाँ पे आप सभी क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आप सभी को इंटरफेस नजर आएगा। उसके बाद आप सभी को यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा होगा नोट PET PST फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ड्राइवर। यानी फ्रेंड्स आप सभी को बता दें कि यहाँ पे केवल ड्राइवर के लिए जो है फ्रेंड्स एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं, ओके। अदर जो भी ट्रेड है उन सभी को इसके बाद जो है एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे ट्रेड वाइज, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इन SSB विल बी हेल्प फ्रॉम
2005 इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड टू डाउनलोड एडमिट कार्ड एंड इंस्ट्रक्शन। तो फ्रेंड्स आप सभी को यहाँ पे क्या क्या फिल करना होगा, ठीक है। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट का कहना था यहाँ पे कि हम जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी अपना फिल कर रहे हैं, पासवर्ड फिल कर रहे हैं, कैप्चा फिल करें, उसके बाद यहाँ पे इनवायलेट का जो है ऑप्शन आ जा रहा है रेड कलर करके। तो फ्रेंड्स इन्हीं वजह से आ रहा है कि आप लोग ऑदर ट्रेड से फॉर्म को अप्लाई किए हैं बट अभी एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं, किसका, तो ड्राइवर का जारी किया गया है, ठीक है। तो इसी की वजह से फ्रेंड्स आप सभी को इनवायलेट बता रहा है, ठीक है। तो चलिए एक और डाउट था फ्रेंड्स आप सभी को कि जो है मैं अपना पासवर्ड भूल गए हैं, मैं अपना पासवर्ड जो है कैसे फिर से प्राप्त कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप सभी को फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करना होगा, स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे तो लॉगिन के ठीक नीचे यहाँ पे आप सभी को लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। इसके ठीक नीचे आप सभी को दिखने को मिल जाएगा फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना जो है फ्रेंड्स फॉरगेट पासवर्ड यानी फिर से अपना जो है पासवर्ड न्यू प्राप्त कर सकते हैं, बट एक कंडीशन यहाँ पे कि जो आप लोग नंबर दिए होंगे फॉर्म फिलअप करते समय उसी पर आप सभी को यहाँ पे ओटीपी आएगा, ठीक है। उसके बाद ही आप सभी को यहाँ पे जो है फ्रेंड्स जो है ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आप सभी को वहाँ पे जो है न्यू पासवर्ड दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अपना ध्यान में रखिएगा कि कौन सा नंबर दिए होंगे, ठीक है, उसके बाद ही आप लोग जो है फॉरगेट पासवर्ड का जो है फ्रेंड्स ऑप्शन का यूज कीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स यदि आप सभी को कोई भी अदर डाउट होता है इस भर्ती से रिलेटेड तो आप सभी को फ्रेंड्स कॉमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।